हाल है आपके? आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्पाइसी पास्ता। पिछली दफा मैंने आपको क्रीमी पास्ता की तरकीब दी थी, आज मैं आपको स्पाइसी पास्ता की देती हूँ। चले आए इंग्रेडिएंट्स शुरू करें। करी पास्ता है हमारे पास, और ये हमारे पास चिकन है जो हमने क्यूब्स की सूरत में काट लिए हैं, और ये गार्लिक है जो कि 4-5 जवे हैं, और ये स्पाइस हैं इसके, ये कुटी मिर्चे हैं, ये सॉल्ट है, नमक, चीनी है, और ये ब्लैक पेपर है, ये सोया सॉस है, ये टमाटो पेस्ट है, ये हॉट सॉस है, और ये हमारे वेजिटेबल हैं, कैरेट हैं, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, येलो पेपर, और कॉर्न है, मटर है, और ये अनियन है हमारे पास एक अदद कटी हुई, और ये हमारे पास ऑयल है जिससे हम बनाएंगे इसको, और ये वेनेगर है। चलो आया व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास से एक लेंगे जिसमें हम मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। और फिर ये मैक्रोनी डाल देंगे, इसमें बॉईल होने रख देंगे इसको। दिए, अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। हम पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, फ्राई हो गए। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा पानी खुश करने देंगे, फिर हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे, थोड़ा बटर भी डलता है तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल भी डाल सकती हैं खाली। अब हम इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि 2-3 स्टेप में नमक जाएगा, गोश्त में भी हल्का सा होना चाहिए। हल्की सी हम काली मिर्च डालेंगे, बहुत ही मामूली सी, ताकि गोश्त भी अपना जायका दे, सूखी सूखी बहुत ही अच्छी नहीं लगती। अब हम इसमें मटर और कॉर्न डाल देंगे, तो रंग इतना खूबसूरत होता है, बच्चे खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरह। अब मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, इसीलिए मुझे तरह तरह के पास्ते बनाने आ गए। अब हम इसे डालेंगे, इसमें वेजिटेबल भी खूब जाती है, चिकन होता है, हर तरह का गुजाए से भरपूर इसमें चीज़ें होती हैं जो कि हम ऐड करते हैं, जूसियस होते हैं इसमें। अब ऐसे बच्चे भागते हैं चीज़ें खाने से, हमें ये नहीं खाना, सब्जी नहीं खानी, वेजिटेबल से भागते हैं, तो ये कि आप इसमें आराम से बच्चे आपके शौक से खा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका भी पानी निकलने देंगे, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, खड़ी खड़ी रखेंगे हम अपनी सब्जी, फिर जब ये हो जाएगी तो फिर हम इसका सॉस भी तैयार करेंगे। ये भी डाल देंगे इसी में, देखिए कितना कलरफुल हो गया, हर तरह के कलर आ रहे हैं इसमें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। प्याज हम इसमें अनियन भी डाल देंगे, चले हमें ये प्याज ज़्यादा नहीं पकानी है, खड़ी खड़ी रखनी है, इसलिए हमने देर में डाली है, क्योंकि बहुत जल्दी नरम होकर ना मिक्स हो जाती है, ये हमें मिक्स नहीं करनी है, खड़ी खड़ी रखनी है। ये देखते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम इस स्टेप पे इसको, जब इसका इसका थोड़ा सा सबका पानी निकल चुका है, अब हम इसको लादा किसी बर्तन में निकाल के रख लेंगे और इसकी सॉस तैयार करेंगे। इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून करीब है ये। टमाटो पेस्ट डाल लेंगे, हॉट सॉस डालेंगे,
दो से तीन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस डालेंगे, इसकी सॉस तैयार करेंगे। इसमें हम चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ ही चम्मच हम सॉल्ट डालेंगे, हाफ चम्मच हम कुटी मिर्ची डालेंगे और एक से दो चम्मच हम इसमें शुगर डालेंगे। और नमक आप पे डिपेंड करता है कि नमक या मिर्च आपको बढ़ानी है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये हमारी सॉस तैयार हो रही है, इसमें हम थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे, दो से तीन टेबल स्पून के करीब। इसको हम ऐसा चलाएंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ताकि ये अच्छे से बन जाए। और फिर जब ये बन जाएगी तो हम इसमें जो पास्ता हमने बॉईल करने रखा है वो और वेजिटेबल वगैरह हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा पेस्ट इसका वो सॉस तैयारी पे है। हम इसमें अब थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट डालेंगे। मैंने आपको हमेशा नॉर्मल सॉल्ट दिखाया है, गार्लिक सॉल्ट जब किसी के पास हो तो वो यूज़ कर सकता है, इसका बहुत टेस्ट अच्छा आता है। नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट से भी ये काम हो जाता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो दिखाती नहीं हूँ क्योंकि वो कभी कभी किसी के पास नहीं होता है तो फिर समझते हैं कि इसके बगैर काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो आपकी मर्जी, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है सर, से बहुत सी चीज़ें मैसर नहीं आती हैं। तो मैंने जो आपको पहले बताया वो सिंपल सॉस है, और अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप हल्की फुल्की इसमें डाल के बना सकती हैं। अब हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे, वेजिटेबल तैयार करके रखी थी वो सब डालेंगे, चिकन और वेजिटेबल। हम मिलाएंगे, देख सकते हैं आप ये कलर कितना खूबसूरत आया, जायके में बहुत मज़ेदार होती है ये। असल में घर में अक्सर बनाती रहती हूँ, अपने मैके में बनाती थी तो मेरे जो भांजा भांजी हैं वो सब बहुत पसंद करते थे, तो उनकी भी फरमाइश थी कि आप ये वाली पास्ता बना के दिखाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान में, मैं शिकागो में, तो अब मेरे हाथ का टेस्ट नहीं खा पाते हैं वो लोग, तो कह रहे हैं आप सिखा रही हैं तो आप इस तरह से हमें तरीका सिखा दें। ये हमारा मैक्रोनी तैयार हो चुका है और ये देखें कितना कलरफुल हुआ है, ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये कलर, और बच्चे चाहते हैं कि हमें इतने तरीके से चीज़ें बना के हम उनको दें, तो ये आप उनको ट्राई कराएं। मैं आपको और भी डिफरेंट तरीक़ों से बताऊंगी क्योंकि मैक्रोनी बहुत तरीक़ों से इसको सर्व करते हैं, क्योंकि ऐसे खाने बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। चले आए हम इसको सर्व करें। यह हमारा मैक्रोनी तैयार हो गया बन के, अब हमने इसको सर्व कर दिया है और आप देखें इसका लुक कैसा बनाएँ, और आप इसको खा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिशें कैसी लगती हैं। और आपको कोई भी रेसिपी सीखनी हो या मालूम करना हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।